एक हमारे व्यूअर पूछते हैं कि वॉशरूम में वुजू की जगह है, वहां जाकर वुजू करते हुए बिस्मिल्ला पढ़ते हैं, तो क्या इसकी इजाजत है? हाँ, ये एक अहम मसला है कि बहुत सारी जगहों पे, बल्कि कसरत जगहों पे वॉशरूम जो होता है उसमें बेसन लगा होता है ना, वॉश बेसन होता है, वॉश बेसन पर वुजू किया जाता है। अब टॉयलेट जो है, कमोड या फ्लश सिस्टम, ये भी वहीं पर है, और यहाँ साइड के अंदर जो है ना वॉश बेसन लगा हुआ, अगर इस पे वुजू करें तो बिस्मिल्ला शरीफ और जो वुजू के दौरान दुआएं पढ़ी जाती हैं वो पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में अर्ज ये है कि यो जो इस तरीके का कम्बाइन वॉशरूम और टॉयलेट होता है, यहाँ पर बिस्मिल्ला शरीफ और अज़कार नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह है, वो एक ही जगह है और वो साथ में मुत्तसिल वो नापाकी की जगह भी है, वो टॉयलेट है, वो जो है ना कमोड है, फ्लैश है, तो वहाँ पर बिस्मिल्ला, अज़कार, दुआएं नहीं पढ़नी चाहिए। बाहर बिस्मिल्ला शरीफ पढ़ के अंदर जाएं और फिर जाके वजू करें और बाद की जो दुआ है वो बाहर आके पढ़ें। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर जो वॉशरूम इस तरह का है कि वहाँ वॉश बेसन भी है और साथ में कमोड या फ्लैश भी है, तो उसके दरमियान में दीवार हो, खा वो लकड़ी की दीवार हो या वो सीमेंट की दीवार हो या वो किसी इस तरह के हार्ड स्टफ की दीवार हो, कि जिसकी वजह से हकीकत में वो दो हिस्सों में तब्दील हो जाए। तो अब यहाँ पर जो टॉयलेट का हिस्सा है वो जुदा हो गया, जो वॉश बेसन का हिस्सा है वो जुदा हो गया। अब अगर यहाँ पर वुजू करे तो यहाँ पर दुआएं पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, सारे औरादो वज़ाइफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक तरगीब के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि होता क्या है अक्सर बेशतर चूँकि कम्बाइन होता है, अब लोग अंदर जाके औरादो वज़ाइफ पढ़ते ही नहीं है क्योंकि अंदर पढ़ नहीं सकते, तो नतीजा ये होता है कि औरादो वज़ाइफ से महरूम हो जाते, दुआओं से महरूम हो जाते, बिस्मिल्लाह पढ़ने से महरूम हो जाते, तो ये एक महरूमी की चीज़ है, सवाब से महरूमी की चीज़। तो अमीर अहले सुन्नत ने क्या किया कि आपने जो आपका इस तरह वॉशरूम है उसको इसी तरह तकसीम किया हुआ है कि उसमें जो टॉयलेट का हिस्सा है वो जुदा है और वहाँ पर पार्टीशन है, और जो वुजू का एरिया है वो जुदा है और वहाँ पर वुजू किया जाता है। तो ये और भी मैंने अपने दावत इस्लामी के चंद मुबल्लिगीन के यहाँ देखा है इस तरह होता है। तो ये क्या है, ताकि दुआएँ पढ़ी जा सके, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जा सके और औरादो वज़ाइफ पढ़ी जा सके।